शांति। आज 14 मई 2023 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। रिवाइज तारीख है 5 दिसंबर 1994। मुरली का सार है वर्तमान समय की आवश्यकता, बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाना। वर्तमान समय की आवश्यकता, बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाना। आज स्नेह के सागर बाप अपने स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। यह ईश्वरीय स्नेह सिवाय आप बच्चों के किसी को भी प्राप्त नहीं होता। आप सभी को ये विशेष प्राप्ति है, प्राप्ति सभी बच्चों को है, लेकिन पहली स्टेज है प्राप्ति होना और आगे की स्टेज है प्राप्ति के अनुभव में खो जाना। पहली बात, प्राप्ति के नशे से सभी कहते हो कि हमें बाप का प्यार मिला, बाप मिला अर्थात प्यार मिला। सभी के मुख से यही निकलता है, मेरा बाबा। तो पहली स्टेज में प्राप्ति सभी को है, लेकिन अनुभूति में सदा खोए रहे इसमें नंबरवार हैं। जो परमात्मा प्यार में खोए हुए रहते हैं उनको इस प्यार से कोई हटा नहीं सकता। परमात्मा प्यार में खोई हुई आत्मा की झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं, जो कोई भी समीप आना तो दूर लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। ऐसी अनुभूति सदा रहे तो कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं होगी। अभी योग लगाते लगाते युद्ध करनी पड़ती हैं, बैठते योग में हैं, लेकिन अनुभूति में खोए हुए नहीं होने के कारण कभी योग कभी युद्ध दोनों चलते रहते हैं। मैं बाप का हूँ ये बार बार स्मृति में लाना पड़ता है। तो बार बार स्मृति में लाना विस्मृति है, तब तो स्मृति में लाते हो ना। तो हाँ ना, स्मृति विस्मृति ये युद्ध लवलीन अनुभूति करने नहीं देती है। वर्तमान समय बच्चों को जो युद्ध व मेहनत करनी पड़ती है वो व्यर्थ और समर्थ की युद्ध ज़्यादा चलती हैं। कोई कोई बच्चों में व्यर्थ देखने के संस्कार नेचुरल नेचर हो गई है। कोई में सुनने की, कोई में वर्णन करने की, कोई में सोचने की ऐसी नेचुरल नेचर हो गई है, जो वो समझते ही नहीं हैं कि ये हम करते भी हैं। अगर कोई इशारा भी देते हैं तो माया की समझदारी होने के कारण अपने को बहुत समझदार समझते हैं। या तो माया के समझदार बन जाते या अलबेलापन आ जाता। ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है। माया की समझदारी से रॉन्ग में भी अपने को राइट समझते हैं। होती माया की समझदारी है, लेकिन समझेंगे मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा योगी, मेरे जैसा सेवाधारी कोई है ही नहीं। क्योंकि उस समय माया की छाया मन और बुद्धि को ऐसे वशीभूत कर देती है जो यथार्थ निर्णय कर नहीं सकते। मायावी योगी वा मायावी ज्ञानी समझदार ईश्वरीय समझ से किनारा करा देती हैं। माया की समझदारी भी कम नहीं है। माया से योग लगाने वाले भी अचल अटल योगी हैं, इसलिए फर्क नहीं समझते। उस समय के बोल का नशा भी सभी जानते हो ना, कितना बढ़िया होता है। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को कहते हैं कि प्राप्तियों की अनुभूतियों के सागर में समाये रहो। सागर में समाना
अर्थात सागर समान बेहद के प्राप्ति स्वरूप बन कर्म में आना। बाप दादा ने चारों ओर के बच्चों का चार्ट चेक किया, क्या देखा? समय के समीपता के प्रमाण वर्तमान के वायुमंडल में बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष स्वरूप में होना आवश्यक है। बेहद का वैराग्य वर्णन भी करते हो, पॉइंट्स बहुत निकालते हो, भाषण भी बहुत अच्छे करते हो, सभी के पास पॉइंट्स हैं ना। पॉइंट्स वर्णन करना व सोचना, इसमें तो मेजॉरिटी पास है। इन छोटी छोटी कुमारियों को भी भाषण तैयार करके देंगे तो कर लेंगी। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, चाहे आत्माओं के संपर्क में आए, चाहे साधनों के संबंध में आए, चाहे सेवा के चांस में चांसलर बनने का भाग्य मिले, लेकिन सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा, इसका बैलेंस रहे। होता क्या है, कभी न्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती और कभी प्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती। प्यारापन का अर्थ है निमित्त भाव, निर्माण भाव, लेकिन इसके बदले मेरेपन का भान आ जाता। ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे ही सर्व साधन भाग्य अनुसार मिले हुए हैं। इतनी मेहनत से मैंने ये साधन स्थान वा सेवा साथी यानि स्टूडेंट भी साथी हैं बनाए हैं। ये मेरा है, क्या मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है? ये निमित्त भाव और मेरेपन के भाव में अंतर है या एक ही है? ये मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया है। ये मेरेपन की रॉयल भाषा, रॉयल संकल्प बाप से रूह रिहान में भी बाप दादा बहुत सुनते हैं। बहुत प्यार से बाप को या निमित्त आत्माओं को मनाने या मनवाने आते हैं। बाबा आप ही इसमें मेरे को मदद करना, आप क्या समझते हो कि ये मेरा काम नहीं है, मेरी जिम्मेवारी नहीं है, मेरा अधिकार मेरे को ही मिलना चाहिए। बाप को भी ज्ञान देने के लिए बहुत होशियारी करते हैं। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं, निमित्त हैं, जो मिला जैसे मिला, जहाँ बिठाएंगे जो खिलाएंगे जो कराएंगे वही करेंगे। तो पहला सभी का वायदा है ना। ये वायदा है या सिर्फ खाने पीने के लिए है? मेरेपन के भाव का वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है। नए नए प्रकार के मेरेपन और इमर्ज हो रहे हैं। माया वर्तमान समय नए नए प्रकार के मेरेपन की छाया डाल रही है, इसलिए समय की समीपता प्रत्यक्ष रूप में नहीं आ रही है। ज्ञानी चाहे अज्ञानी दोनों जानते हैं और कहते भी हैं कि दुनिया की हालतें बहुत खराब हैं। ये दुनिया कहाँ तक चलेगी, कैसे चलेगी, लेकिन फिर भी दुनिया चल रही है। समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। बाप दादा ने चेक किया, बेहद की वैराग्य वृत्ति के बजाय नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव का विस्तार बहुत बड़ा है। इस विस्तार ने सार को छिपा लिया है, समझा? अब क्या करना है? यह लगाव बड़े टेस्टी लगते हैं, एक दो बार टेस्ट किया तो वो टेस्ट खींचते रहते हैं। सेवा कर रहे हो बहुत अच्छा, लेकिन अपनी चेकिंग करो कि निमित्त भाव है या लगाव का भाव है।
बाबा बाबा के बदले मेरा मेरा तो नहीं आ जाता, मानना है तेरा और बन जाता है मेरा, तो अब क्या करेंगे। मेरा मेरा पसंद है बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, एक बहुत बड़ी गलती करते हैं वह चलते चलते हो जाती हैं, करना नहीं चाहते हैं लेकिन हो जाती हैं, वह क्या दूसरे के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं, बनना है अपना जज और बनते हैं दूसरों का, इसको यह नहीं करना चाहिए, इनको बदलना चाहिए और अपने लिए समझेंगे यह बात बिल्कुल सही है, मैं जो कहती हूँ वही राइट है, ये ऐसे हैं ये वैसे हैं। वकील लोग भी सिद्ध करते हैं ना सच को झूठ, झूठ को सच, और जितने प्रमाण देना वकीलों को आता है उतना और किसी को नहीं आता, अपना जज बनना ये गलती हो जाती है। दूसरे के लिए रिमार्क देना बहुत सहज है लेकिन अपने को बदलना है, स्लोगन भी है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, पहले स्व है। सुना क्या चार्ट देखा, बाप दादा भी माया की चाल को देख मुस्कुराते रहते हैं, माया कितनी चतुर है, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं को भी अपना बना लेती है, तो अभी क्या चाहिए। बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ, जैसे सेवा का वायुमंडल बनाते हो ना, प्रोग्राम बनाते हो, सिर्फ दिमाग तक ये वृत्ति नहीं दिल तक पहुँचे, सबके दिमाग में तो है, होना चाहिए करना चाहिए लेकिन दिल में ये लहर उत्पन्न हो जाए, इसकी आवश्यकता है। समझा, सभी ने अच्छी तरह से समझा कि अभी समझ में आया, फिर उठने के बाद सोचेंगे ये कैसे होगा, ये करना मुश्किल है, सुनना बोलना तो सहज है करना मुश्किल है, तो अभी ऐसे नहीं कहेंगे ना। स्नेह से आप भी पहुंच गए हैं और बाप दादा भी पहुंच गए हैं, स्नेह में देखो कितनी शक्ति है, स्नेह अव्यक्त को व्यक्त में ले आता है, आप सबको मधुबन में ले आया है, सभी स्नेहों में ठीक पहुंच गए हैं ना। किसने लाया, ट्रेन ने लाया कि स्नेह ने लाया, जहाँ स्नेह है वहाँ मेहनत मेहनत नहीं लगती, मुश्किल मुश्किल नहीं लगता, ये तीन पैर के बजाय दो पैर पृथ्वी भी मिले तो क्या लगता है, सतयुग के पलंगों से भी श्रेष्ठ हैं, सब आराम से रहे हुए हैं कि मजबूरी से, क्या करे रहना ही है। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ पाँव रखने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपको सोने के लिए तीन पैर नहीं तो दो पैर तो मिलता है, आपने तो मांगा था कि चरणों में जगह दे दो लेकिन बाप ने चरणों की बजाय पटरानी बना दिया, फिर भी मधुबन का आंगन है ना, चाहे कहाँ भी सोते हो लेकिन है तो मधुबन के आंगन में, इतना बाप के समीप आने का अधिकार मिलेगा ये तो स्वप्न में भी नहीं था, तो सब खुश हो ना। दो पैर की बजाय एक पैर मिले तो भी राजी रहेंगे, बैठे बैठे सोएंगे, कईयों को बैठने में नींद अच्छी आती है, सोएंगे तो नींद नहीं आएगी। योग में बैठना और सोना शुरू, 5 दिन अखंड तपस्या करनी पड़े तो सब तैयार हो, खाना भी नहीं मिले तो चलेगा, कि समझते हो ये होना नहीं है, जो चीज़ वहाँ नहीं खाते वो और ही मधुबन में मिलती है, लेकिन एवर रेडी रहना चाहिए, मिले तो बहुत अच्छा,
न मिले तो बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि सबको अमृत वेले दिल खुश मिठाई तो मिलती ही है और सारा दिन खुशी की खुराक भी मिलती है, तो चल सकता है ना, ये भी ट्रायल करेंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सदा सर्व प्राप्तियों के अनुभूतियों में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को सदा परखने की, निर्णय करने की शक्ति को तीव्र बनाने वाले समीप आत्माओं को सदा सेवा में समर्थ बनाने के निमित्त आत्माओं को सदा न्यारा और प्यारा दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की सिखिलते रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। टीचर्स के साथ जैसे टीचर्स का टाइटल है तो जैसा टाइटल है वैसे विशेष बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाने में टाइट रहना, हल्के नहीं होना, क्योंकि निमित्त टीचर्स का वायुमंडल अनेकों तक पहुंचता है। तो टीचर्स अभी ये कमाल करके दिखाए, जैसे परिवर्तन में आज्ञाकारी तो बने, आज्ञाकारी बनने का, हाजी करने का एक पाठ तो पक्का कर लिया, लेकिन दूसरा पाठ बेहद के वैराग्य वृत्ति का अभी ये पाठ पक्का करके दिखाओ, क्योंकि निमित्त होना तो निमित्त आत्माएं ही, निर्माण बन, निर्माण का कर्तव्य बहुत सहज कर सकती हैं। अभी ये वर्ष तो पूरा हो ही रहा है, लेकिन नए वर्ष में इस नवीनता की झलक बाप दादा भी देखेंगे। सेवा की सेंटर खोले, बहुत बढ़िया। आईपीस भी आ गए, वीआईपीस भी आ गए, ये तो होता ही रहता है, लेकिन सेवा में बेहद की वैराग्य वृत्ति अन्य आत्माओं को और समीप लाएगी। मुख की सेवा संपर्क में लाती है और वृत्ति से वायुमंडल की सेवा समीप लाएगी। समझा? बाप दादा तो चार्ट देखते ही है ना, फिर भी सेवा के निमित्त हो, ये श्रेष्ठ भाग्य कम नहीं है, ये भी विशेष वर्षा है। तो इस विशेष वर्षे के भाग्य के अधिकारी बनो, समझा? अच्छा, डबल विदेशी सभी स्थानों से पहुँचे हैं, होशियार हैं डबल फॉरेनर्स, जैसे सब देश के एम्बेसिडर भेजते हैं ना, तो इंटरनेशनल ब्राह्मण परिवार हो गया ना। डबल विदेशियों की विशेषता है कि सदा हाथ में हाथ है और साथ है। विदेश का फैशन है ना हाथ में हाथ देना, तो अभी किसके हाथ में हो? बाप के। सदा बाप के हाथ में हाथ मिला के आगे चलने वाले हाथ है श्रीमत, तो श्रीमत का हाथ सदा हाथ में है। पक्का है कि कभी थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं, कभी हाथ छूटता है, माया छुड़ावे तो नहीं छूटता है, तो सदा साथ रहने वाले और सदा श्रीमत के हाथ में हाथ देकर चलने वाले, जिसका साथी बाप है, जिसका हाथ बाप के हाथ में है, वो सदा ही निश्चिंत बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि हाथ और साथ दोनों मजबूत हैं। ठीक है ना नोरबी वाले? पक्का हाथ और साथ है ना, चाहे सारी दुनिया के औक्षहीनी लोग हाथ छुड़ाए तो छूटेगा? वो औक्षहीनी शक्तिहीन है और आप
एक मास्टर सर्वशक्तिवान है, इसलिए डबल विदेशियों को नशा है कि बाप दादा का एक्स्ट्रा हाथ और साथ है, लिफ्ट है। अच्छा, आज का वरदान है दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले कर्मों की गति के ज्ञाता भव। दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले कर्मों की गति के ज्ञाता भव। विश्लेषण है, ब्राह्मण जन्म लेते ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिलता है। इस दिव्य बुद्धि पर किसी भी समस्या का, संग का व मनमत का प्रभाव न पड़े, तब रजिस्टर बेदाग रह सकता है। लेकिन यदि समय पर दिव्य बुद्धि काम नहीं करती तो रजिस्टर में दाग लग जाता है। इसलिए कहा जाता है, कर्मों की लीला अति गुह्य है। दुनिया वाले तो हर कदम में कर्मों को कूटते हैं, लेकिन आप कर्मों की गति के ज्ञाता बच्चे कभी कर्म कूट नहीं सकते। आप तो कहेंगे, वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म। आज का स्लोगन है, पवित्रता की गहन धारणा से ही अतिंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। पवित्रता की गहन धारणा से ही अतिंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। अच्छा, ओम शांति।